भाव तो दिल का राजा है, इनके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ। हम लोग दोनों भाई बी पोस्ट में थे। केसरी भाई का ना एक ना मजा क्या आता था मन में, केसरी भाई ने गाना गाते थे वहाँ पे, क्योंकि हर कोई उधर कातिल ही था। सुबह उठता था, इसकी उंगली कर उसकी उंगली कर, ये बहुत बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट रह चुके खेसारी लाल यादव और हिंदुस्तानी भाव पहली बार बिग बॉस के घर के बाहर एक गोल्डमैन के बर्थडे पार्टी में मिले। गोल्डमैन प्रशांत लक्ष्मण के बर्थडे पार्टी में खेसारी और हिंदुस्तानी भाव दोनों पहुंचे थे। दोनों जब एक दूसरे से मिले तब यादें बिग बॉस के घर की आने लगी और बातें वहीं से शुरू हुई। खेसारी और हिंदुस्तानी भाव बिग बॉस के घर की बातें करते दिखे, साथ ही जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल भी पूछा तो एक साथ एकजुट अंदाज में खेसारी और हिंदुस्तानी भाव ने बिग बॉस के घर की बातें बताई, साथ ही कई बड़े राज भी खोले। जरा सबसे पहले आप पूरी वीडियो देखिए। भाई भाव को बुला लेना, मुझे से बात बोलते हैं, भाव को बुला ना, चलिए एक मिनट बात करो, मैं निकल जाएगा। अरे चलो 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 भैया, क्या कहेंगे आज लॉ का इंजेक्शन का लॉन्च हुआ है भाई, मुंह नीचे नहीं करो। संगीत जो चीज है कि संगीत की बातें सब बहुत एक हमहा होते हैं, क्योंकि हम एक संगीत के और माँ शारदे के पुत्र हैं, ये भी पुत्री है और इस गाने से लॉन्च हुई है। आगे क्या था नहीं था मुझे पता नहीं, बट इस गाने में इन्होंने ये बहुत खूबसूरत लग रही है और भाव तो दिल का राजा है, इनके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ। हम लोग दोनों भाई बी पोस्ट में थे और एक अलग हम दोनों की तिगड़ी थी कि हम तो थे समझते। केसरी भाई का ना एक ना मजा क्या आता था मालूम है, केसरी भाई ने गाना गाते थे वहाँ पे, क्या गाना था मालूम है, हर कदम पर कोई का दिल है कहाँ जाए कोई, क्योंकि हर कोई उधर कातिल ही था। सुबह उठता था, इसकी उंगली कर उसकी उंगली कर, ये बहुत बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। और ये भाव और ये भाव का प्यार है, क्योंकि हम दोनों ने जो भी उसका सफर तय किया बड़ा मुश्किल था, और भाव के बारे में मैं जितना पहले सुना था भी उसके जाने के बाद मेरी नजरिया, और भाव एक अच्छे इंसान और इतने अच्छे इंसान है, जितनी सामने से दिखते हैं उससे बेटर ये इंसान है। और मुझे इनसे प्यार हुआ, बट इतने सारे पार्टियां बिग बॉस के जितने भी कंटेंशन थे सबके पास हुआ, बट मैं किसी में नहीं गया, लेकिन इनकी मोहब्बत मेरे प्रति और इनके प्रति मेरी जो मोहब्बत है वो मुझे खींच लाई, और अच्छा लगता है इनसे मिलने के बाद, एक ऊर्जा मुझे आती है। और इनको मिस करते रहता हूँ भाई, मगर मेरा फोन नहीं उठता। सॉरी इनका नंबर सेव नहीं था इसके वजह से, और मैं 2 महीने से लंदन में था अपनी फिल्म की शूट कर रहा था, इसलिए फोन नहीं उठा पा रहा था, उसके लिए सॉरी। ये लव का इंजेक्शन अभी तक मैंने लव प्यार करते हुए देखा है, लेकिन आज के डेट में भाव इंजेक्शन भी बेचने लगे लव का, ये बड़ा कायदे का है। तो जिस आदमी को प्यार जो लड़कियां भाव नहीं देती है वो भाव के पास आए और एक इंजेक्शन में जाकर उसको लगा दे, चल रहा है अरे तो वैक्सीन समझ के लगा दे। आपको आपको कोरोना के लिए वैक्सीन की जरूरत नहीं है, लव का इंजेक्शन भाव के पास है, एक लगा लो कूदते रहो। 2 फरवरी 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे है ना, लगा लगा के उसके बाद पार्क में मिलो सबके साथ, क्योंकि जब का इनका लव का इंजेक्शन आपको नहीं लगेगा तब तक मोहब्बत पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई का जो लव का इंजेक्शन है, मेरी दुआएं हैं अपने बड़े भाई के लिए कि इतना बड़ा हो कि इंडस्ट्री में एक नया मोड़ आए, और इनके लिए मैं शुभकामना दूंगा कि ये इतनी बड़ी हो कि इनके पास आने के लिए मुझे भी परमिशन लेना। मैं आज आया हूँ इस लॉन्चिंग में अपने भाव के, ये भाव दुनिया के लिए होंगे लेकिन मेरे बड़े भाई हैं, तो मेरे लिए यही बड़ी बात है कि अपने भाई के लिए, अपने गार्जियन के लिए, ये मेरे पिता तुल्य है, बड़ा प्यार करता हूँ उनको, और मैं भी इनसे बहुत प्यार करता हूँ और बहुत मिस करता हूँ। जब भी याद आता ना मेरे को कोई उंगली करता है तो मेरे को पहले इनका याद आता है वो गाना, सब लाइव देखे हैं। बस यही दुआ है हमारी कि पूरे टीम के साथ, इनके साथ जितनी भी टीम इसमें काम की है, चाहे वो क्राउड में हो या कैमरामैन में हो, सबका भविष्य उज्ज्वल हो, मैं दुआ ही दे सकता हूँ, आशीर्वाद तो मैं खुद ही अभी दे रहा हूँ। केसरी भाई क्या फिर से दोनों बिग बॉस में जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं, हमने जितना करना था हम कर चुके हैं, हमारी असलियत जो लोगों को देखनी थी वो देख चुके हैं कि हमारी असलियत क्या थी,
जिनको और दिखाना है वो दिखाएं। हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ था और करने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए हमारे लिए वो प्लेटफॉर्म था सिर्फ अपने पहचान को बताने के लिए कि हम अंदर से जो है वो बाहर से भी उतना ही कुल है। और लोगों के पास मिलते हैं तो एक भाई की तरह, एक भविष्य की तरह, कि उनके प्यार में है, उनके दुलार में है। ये समझ लो गाना ना, एक चेहरे पे कई चेहरे लगाते हैं लोग, वो समझ लेना वही थे। केसरी भैया अब दिखेंगे भोजपुरी पिक्चर में भी, हिंदुस्तानी भाव साथ में निकले। हिंदुस्तानी भाव हमारे दिल में है, तुम्हें जा रहे तो वहाँ तो है ही है। और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इन्होंने काम किया है, तो मेरी दुआ है और शुभकामना है कि हम साथ में मिलकर जरूर काम करेंगे। और अवसर आया तो मैं जरूर भाव को याद करूंगा, क्योंकि अब इनको भोजपुरी बोलने में प्रॉब्लम तो होगी ना, तो पहले इनको सिखाना पड़ेगा मुझे, फिर हम लोग बैठना पड़ेगा साथ में, उसके बाद हम करेंगे ना। हमारे भाई ये कहा दूर हम सारे जी। अमिताभ बच्चन ने इस बार आपका नाम लिया, कौन बनेगा करोड़पति में, बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी। वो तो हमारे पिता तो लें, और भोजपुरी नहीं, मुझे लगता है इंडस्ट्री के भगवान है, और भगवान के जुबान पे अगर मेरा नाम आता है तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं होता। और उस भगवान को सैल्यूट है कि कौन बनेगा करोड़पति में उन्होंने हमारा नाम लिया। इसके लिए दिल से धन्यवाद उस भगवान को कि उनके नजर में मेरा भी एक नाम है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लव यू। तो बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट रह चुके खेसारी लाल यादव और हिंदुस्तानी भाव एक साथ पहली बार मीडिया के सामने आपको दिख रहे होंगे। किस तरीके से बिग बॉस से जुड़ी हुई यादें बताया है हिंदुस्तानी भाव और खेसारी लाल यादव ने आपने सुना। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।